अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब की फैमिली। आई होप कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ सर्दियों के सौगात, जो सर्दियों में हर घर में बनता है यह हलवा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ गाजर का हलवा, इंस्टेंट गाजर का हलवा। बहुत जल्दी बनता है, बहुत क्विक रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी मज़ा आ जाना है। तो यहाँ पे जी मैं कर रही थी गाजरों को कद्दूकश, मतलब उनको हम जो है मशीन से मैं निकाल रही थी। इसमें जो है बहुत बहुत इजी, बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो है ना, आप लोग भी इस मशीन से बहुत क्विकली जो है वो गाजर को कद्दूकश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने पहले गाजरों को अच्छे से करा है वॉश, जो इसके अंदर जो है वो ब्रश से हमने उसको थोड़ा सा रगड़ना होता है गाजरों को, क्योंकि वो जो उनके होते हैं ना, वो ज़रा जिस जगह से गहरे गहरे वो होती हैं, गहरी होती हैं गाजरें, वहाँ पर मिट्टी फंसी होती है। तो वो हम वॉश भी कर रहे होते हैं ना, तो उस वो निकलती नहीं है मिट्टी। तो फिर जो मैं क्या करती हूँ, हम ना ब्रश मारते हैं उसके ऊपर, तो ब्रश से ना वो सारी मिट्टी धुल जाती है, निकल जाती है। फिर जो है हम उसको पील कर लेते हैं। पील करने के बाद जो है हम उसको कद्दूकश कर लेते हैं मशीन में। और यहाँ पे देखें जी, हमारी सारी गाजरें फटाफट तकरीबन 5 से 10 मिनट में सारी गाजरें जो है हमारी कद्दूकश हो गई थी। ठीक है, अब हम जो है गाजरों को चढ़ा देंगे। और इसके अंदर हमने दूध ऐड 2 किलो तकरीबन ये गाजरें थी, और इसमें हमने दूध डाला है तकरीबन 1/2 kg। इसमें दूध हम कम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमने जो है इसमें बाद में खोया ऐड करना है जी, इसलिए हम जो है वो दूध हम इसमें कम डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसको पकने देंगे जब तक ये पकता रहेगा ना, और जब इसका पानी और दूध, गाजरों का अपना पानी भी तो होता है ना, वो पानी और दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। बल्कि सॉरी, 1/2 kg नहीं है, दूध जो है इसमें 1 kg था, दूध जो है वो इसमें 1 kg था। तो दूध 1 kg और गाजरें जो हैं वो 2 kg हैं, और इसमें हमने 1 पाव जो है वो खोया ऐड करना है। ठीक है, खोया जो है हम बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे, जब हमारा जो है वो अच्छे से वो तैयार हो जाएगा। हमने क्या करना है, इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने गाजर जो कद्दूकश की हैं हमने उसको हांडी में चढ़ाने के लिए, पकने के लिए रख देना है, चढ़ा देना है। उसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना है 1 kg, उसके अंदर खोपरा, किशमिश, जो भी आपने मेवे ऐड करने वो सारे ऐड कर देने हैं। चीनी ऐड करी है हमने इसमें, चीनी हमने इसमें तकरीबन 1/2 kg से थोड़ा सा कम थी वो ऐड करी की है इसमें। ठीक है, हम अब इसको पकने के लिए रख देंगे। जब इसका पानी और दूध खुश्क हो जाएगा ना, ड्राई हो जाएगा ये, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसकी भुनाई करेंगे, और साथ में फिर जो है वो इलायची का पाउडर पीसा हुआ हमने कूट के इलायची, उसको जो है पाउडर इसमें ऐड कर देना है। और वो ऐड करने के बाद हमने इसमें खोया ऐड कर देना है, और हमारा इंस्टेंट और क्विक जो है ना गाजर का हलवा तैयार है। इसका कलर भी बहुत बहुत अच्छा होता है, वो हम ज़्यादा पकाते हैं ना, गाजर का कलर जो है वो डिसकलर हो जाती है गाजरें, वो जो है ना बिल्कुल उसका कलर गायब ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, हमारी गाजरों का कलर जो है वो वैसा ही रहेगा, इतना ज़्यादा डार्क नहीं होगा, और बहुत अच्छा जायका और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और यहाँ पे हमारी जो है वो गाजरें अभी पक रही हैं, जब तक इनका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाएगा और दूध जो है वो ड्राई नहीं हो जाएगा, तब तक हमने इसको जो है वो हल्की आंच पे पकाते रहना है, और साथ में हमने चम्मच भी हिलाते रहना है, ये ना हो कि हमारी गाजर का हलवा जो है वो नीचे लग जाए। ठीक है, अब जी हम इसमें ऐड करेंगे हमारा खोया। और आप लोग जो हैं वो ज़्यादा खोया ऐड करना चाहते हैं या ज़्यादा दूध ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, या आप लोगों पे डिपेंड करता है। हम लोग थोड़ा कम ही करते हैं क्योंकि हम बहुत क्विकली और जल्दी वो बनाते हैं, तो हम थोड़ा कम दूध ऐड करते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया, और उसके बाद हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे, और हमारा जो है गाजर का हलवा तैयार है। फिर मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ, उसके ऊपर नट्स, काजू, बादाम, पिस्ते, जो भी आप ऐड करना चाहें। इससे ये होता है कि जो वैसे ड्राई फ्रूट नहीं खाए जाते ना, तो वो आप लोग हलवे वगैरह में या कुछ भी ऐसा बना रहे होते हैं उसके अंदर ऐड करके वो कर लें, तो उसका इंटेक हो जाता है हमारा इस तरीके से, वरना खाली जो है वो इतने अच्छे नहीं लग रहे होते ड्राई फ्रूट्स। मुझसे तो नहीं खाए जाते ड्राई फ्रूट्स ऐसे खाली, और बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों से भी नहीं खाए जाते ड्राई फ्रूट्स खाली, तो आप लोग भी ऐसे हलवा वगैरह में ऐड करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे जी फाइनल हमारा हलवा तैयार हो गया है,
आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी। और जी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का बहुत क्विक और इजी बनेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।